हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रिपल एक्सल साइज़ पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। मतलब इसका जो पैंट हम कटिंग करेंगे, इसका हिप साइज़ है 52 और मतलब इसकी मोरी रखनी है हमें 7 इंच तैयार। तो इसी हिसाब से हम इस पूरी पैंट की कटिंग करेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, आप मतलब मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ की पैंट थोड़ा आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जो हैवी साइज़ की पैंट होती है उसमें सिलाई मतलब बीच में से खिंचती है। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ये क्यों होता है। और जैसे ज़्यादा हैवी साइज़ की है तो इसकी भी आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से डिटेल से मैं इसकी कटिंग करना बताऊंगी। तो हैवी साइज़ की पैंट की कटिंग सीखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसे मैं खोल के उल्टी तरफ से किनारे से किनारे मिलाकर इस तरह से लंबाई में फैला लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और फैलाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ये ओपन वाली साइड होगी मतलब किनारे वाली साइड, ये अपनी तरफ रखिए। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ हमें तैयार करनी है 39 इंच। तो उसमें से मैं 1 इंच घटा के इस पर मतलब 38 पे इसका निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे तो वो उसमें बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 38 पे निशान ऐसे सीधा कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं एक मार्जिन का भी निशान लगा रही हूँ, जो नीचे से हम फोल्ड करेंगे उसके मार्जिन का निशान मैंने लगा दिया है। और अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी हिप साइज़ है 52, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 17.2 या आप खाली 17 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक निशान मैं 17 पे लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, और एक निशान उससे 2 इंच पीछे मतलब 15 इंच पे लगाऊंगी। अब जितना ये 15 इंच, जैसे 2 इंच घटा के आया 15 इंच, तो जितना आएगा उतना ही हम यहाँ पे 15 इंच ही हम आसन लेंगे मतलब क्रोच लेंथ लेंगे। अब इसके बाद हम आसन को यहाँ से 3 इंच आगे बढ़ाएंगे, मतलब आसन की ऐसे गुलाई कर देंगे 3 इंच आगे बढ़ाकर। ये साइज़ हैवी है तो इसलिए हमने 3 इंच लिया है। और अब इसके बाद जो ये ऊपर से हमने 15 इंच लिया था, इसके हाफ़ में एक निशान लगाएंगे, मतलब 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर प्लेट डलेगी। 7 इंच लंबी प्लेट लगाएंगे। ये देखिए ये प्लेट का निशान लग गया है। अब जैसे ये 7.5 इंच लिया था ना, तो ऐसे ही हम नीचे की तरफ मतलब इसकी पैर की तरफ यहाँ पर इसमें भी 7.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी एक 7.5 का निशान लगा देंगे। अब इसके दोनों तरफ 4 इंच इधर और 4 इंच इधर ऐसे निशान लगाएंगे। अब सेफ फट्टी की सहायता से जो ये आसन का निशान है यहाँ से लेकर, इसको पहले हम सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट फट्टे की सहायता से सीधा करेंगे। और सेफ फट्टी की सहायता से हम इसे आसन के निशान को नीचे पैर के निशान तक मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए पैंट की अच्छी शेप देने के लिए तो हम सेफ फट्टी से ही निशान लगाना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। अब इसी सेफ फट्टी को हम पलट लेंगे अपनी तरफ और जो ये सामने सीध में इसके निशान लगाया था सीधा, इसको ऐसे मिलाकर यहाँ पर भी निशान लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देंगे क्योंकि ये नोक निकल गई ना, तो ये ऐसे इसको गोल कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट के निशान लग चुके हैं। अब इसको जैसे जैसे निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी शेप में हम कट कर देंगे, ये देखिए इस प्रकार। ये नीचे से भी इसकी मार्जिन से कटिंग कर देंगे और बस ये जो किनारे वाली साइड है यहाँ से नहीं काटेंगे, क्योंकि ये मतलब बैक वाला हिस्सा भी अभी हम काटेंगे तो उसके साथ ही इसको कट करेंगे। सिर्फ यहीं तक ही हमने इसको फ्रंट वाले हिस्से को काटना है। अब जो ये बाकी बचा हुआ कपड़ा है, जो मतलब नीचे और कपड़ा बच गया है, उसको भी हम फैला लेंगे।
ऐसे ही किनारे से किनारे मिलाकर लंबाई में अच्छे से फैला लेंगे इसको भी। ये देखिए बिल्कुल कपड़े को अच्छे से बराबर करके अब इसके ऊपर जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा कट किया था वो रख देंगे। अब देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम 3 इंच ऊपर बढ़ा रहे हैं, बैक वाले हिस्से का आसन बढ़ाने के लिए इसको हमने 3 इंच ऊपर निकाला है एक्स्ट्रा, और तब हमने इसको फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया है। तो अब जो ये फ्रंट वाले हिस्से के आसन की नोक है इसको हम ऊपर तक सीधा कर लेंगे ऐसे, और इसको भी हम आगे 3 इंच बढ़ाएंगे जैसे हमने फ्रंट वाले हिस्से में बढ़ाया था, इसी तरह से हम इसको भी 3 इंच आगे बढ़ा देंगे और इसकी भी गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम तिरछा इस तरह से मिला देंगे। अब जो ये नीचे वाले मतलब बैक वाले पोर्शन को हमने आगे बढ़ाया था इसको देखिए ऐसे सेफ फट्टी रख के पूरी एक सेफ फट्टी एक्स्ट्रा करके हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे इस तरह से, पूरा एक सेफ फट्टी आगे बढ़ाना है और बाकी सारे निशान वही सेम रहेंगे जो हमारे फ्रंट वाले हिस्से पे थे। तो अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम नीचे से काट के और जो ये आगे निशान लगाया है इसको काटेंगे। अब देखिए जो किनारे वाली साइड से ये फ्रंट और बैक ये दोनों हिस्से एक साथ काट रहे हैं, मीन्स चारों जो पोर्शन है चारों पार्ट इकट्ठे कट रहे हैं इसके। अब ऊपर से जो तिरछा निशान लगाया हुआ है इसे भी काट देंगे। और इसके बाद हम आसन की कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों मतलब पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। ये था हैवी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। इसमें से कपड़ा नहीं बचा है तो इसलिए मैं पॉकेट दूसरे कपड़े से लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।